आनी आई है बहुत दिनों बाद। मौसी के साथ देखो ऐसी है शांत, माँ बाप के सामने शेर बन जाते शेर। मौसी बहुत सुंदर लग रही हो। लंबी जुदाई चला रही बन। कैसे आप सभी? हम लोग तो देखो बीच में चल रहा है न्यू ईयर पे अन्नू आई है, सभी को न्यू ईयर की बधाई देनी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं पंकज जी और अन्नू आए। तो हम लोग करीब एक दो घंटे से याद ही थी। हैप्पी न्यू ईयर करना चाहिए वो मौसी करेगी, क्योंकि मौसी छोटी मौसी है हमारी। हाँ, तो हम लोग ठंड के मजे ले रहे हैं, मूंगफली हो गई, कॉफी हो गई, कुछ खा पी नहीं रहे ये लोग, तो हम लोग ऐसे गपशप कर रहे हैं। आनी की ड्राइंग, हम आनिया की ड्राइंग हाँ। बहुत अच्छी है। कहाँ है बेटा, दिखा तो। ये देखो, एक पैमाने अभी तो ग्रबा दोबारा आनिया यहाँ पे देखो, एक फोटो ले लो मोबाइल में, पेपर देखा भी चलो। अरे एक हमारी भी फोटो मेरी थी, आने कल नहीं आएगी। तो कल नहीं आएगी, तो सही पूछ रही हो, तो मुझसे ही पूछ रही है। एक दूसरे से पूछ रही है। आलू कम खा, कम पी। चले आलू कम खा, आलू खाती है। पैर उठा ऐसे कर, तू ना चला नहीं, पैर उठा के चला कर। बाय 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 बाय। सुबह फिर माँ भी ऐसे होती जा रही है और दीदी भी ऐसे होती जा रही है। तू छोटी रह गई ना इसीलिए। छोटी की बात नहीं है, शरीर को देखना चाहिए, शरीर को देखना चाहिए, ताकत बना रही है शरीर को। और आज छोटी मौसी से तो आप लोग मिल ही लिए, क्योंकि छोटी मौसी आई थी नानी से मिलने मम्मी से। मम्मी की तबीयत बहुत दिन से ख़राब चल रही थी, मगर आप लोगों के प्रे की वजह से, भगवान के आशीर्वाद की वजह से सब ठीक है। अब मम्मी की हालत में 50% का सुधार है, फिर भी अभी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है। यहाँ पे यही सब डिस्कस हो रहा था कि मम्मी को कहीं एडमिट कराएं, क्या करें नहीं करें। और ये तो कहेगी कि बस कुछ नहीं करना है, मम्मी को आराम करे, मगर वही है ना, जिसकी तबीयत ख़राब होती है बस उसी को पता होता है, सेहत सही नहीं तो कुछ भी सही नहीं। यहाँ आन्या हमारे साथ रुक गई थी, इसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और खाना पीना भी यहाँ पर हो गया है हमारा। आज मैंने बनाई थी रागी की रोटी अपने लिए सिर्फ, तो गोलू को भी आधी दी है और यहाँ पर बना रही थी। बताओ तो मैं। दूसरा दिखाओ जो बना रहे थे जल्दी से। कुछ नहीं, वो बनाया था, मन कर रहा था कुछ करने का इसीलिए। अब करते हैं आपके साथ। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा ड्राइंग कर रही है सिर्फ, है ना। कलर चलो टैब लेके चलो, एक मिनट यहाँ पे आओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, ये देख रहे हैं। घर के अंदर भी इतना ठंड है कि पूछिए नहीं, यही लेना के देखो। बहुत ठंड है। हाँ ये ले जाओ, ये ले जाओगे काम है, ले जाओ इसका। हाँ ले जाओ। तो ठंड हो रही है और ठंड में देखो हमारी सुनीता हमारी बहुत हेल्प करा रही है, हंसते हंसते खुद भी पागल हो जाती है और हमें भी पगला देती है। तो यहाँ पर गोलू दे रहा है सुनीता को कंबल, क्योंकि गोलू को होता है ना, ये देखो ये देखो। बहुत मस्त लेडी है ये, मस्त है ना सुनीता। इधर आओ, इधर आओ। अरे लेट हो गई, लेट हो गई हूँ तो। खाना खाना है भाई? अच्छा आज तो मिले रोटी बनाना है, सामन को मनाई करी। रोटी बनाऊंगी, गैस बनी गई है, पेट ढड़ गया रे। अच्छा इसलिए मैं मनाई कर रहा है, रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है। रोटी सब्जी इसका घर वाला बना के रखेगा? नहीं बना सकता रोटी, तो चावल बनाता। अच्छा रात को खाना वही बनाता है ना? रात को मैं बना दी हूँ, सुबह को बनाता था, रात मिले बनाना है सुबह। ओ देखो बहुत अच्छा रखा है, हस्बैंड मिले सुनीता जैसा, जो सुनीता को एकदम बढ़िया बढ़िया चीज बना के खिलाता है ना। बड़ा बड़ा खिलाता है, इसीलिए खुशी से देखो चमकती जा रही है सुनीता। ठीक है, और ये गोलू, गोलू खुश। और कुछ देना है आंटी को? देते रहेंगे अब जो जो मांगेंगी वो। ठीक है चलो चलो। और यहाँ पर सुनीता काम करके चली गई है और ये आज की ही वीडियो है।
तो यहाँ पर ना मैं क्या करती हूँ, जब ये काम वाम कर लेती है तो मैं अपना किचन समेटने के लिए आ जाती हूँ, और साथ ही साथ मैंने सोचा कि चावल भी रख ही दूँ। लंच में अक्सर हम लोग चावल ही खाते हैं, अगर अंकल जी घर पे हैं या नहीं है, फिर भी गोलू तो है, मैं हूँ, तो चावल खाना ही पसंद करते हैं। सुनीता इधर उधर सब फैला के चली जाती है, बर्तनों को अरेंज करना, फिर वो धोती है ये समझ लीजिए, उसके बाद सब कुछ तो करना ही होता है। और थोड़ा सा ना आप लोग शोर भी अवॉइड करिए, क्योंकि मैं बाहर ही बैठ के एडिट कर रही हूँ, और बाहर तो नहीं कहेंगे, किचन के पास ही हूँ, मगर यहाँ लगता रहता है, मेन रोड है तो हमेशा बाइक वगैरह ये सब चीज़ें। मेरी वॉइस कम आएगी आप लोगों को, उसकी ज़्यादा आ रही होगी, खट पट सुनाई दे रहा है, ये भी अवॉइड करिएगा। और मेरा यही रहता है कि कभी भी मैं एडिट करूँ ना तो रात को कर लूँ, बट कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। सेहत सही नहीं है, मन सही नहीं लग रहा है आजकल, अजीब सा ही हो रहा है इस वजह से। बाकी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूं। किचन सलट किचन को देख ही रहे हैं, किचन की हालत ऐसी हो जाती है ना, बर्तन भी लगाने में आधा घंटा ऐसे ही चला जाता है। तो यहाँ पर यही सब कर रही थी, और लंच के लिए तो चावल बनाती हूँ, मगर ब्रेकफास्ट में मैंने आज रोटी और सब्जी बनाया था, सब्जी थी आलू गोभी की, और उसके बाद दाल वाल बना ली थी। उसके बाद सुनीता आ गई तो किचन विचन ये करने लगती है, झाड़ू पोछा, और मैं यहाँ पे चावल बनाने लगी। और यहाँ पर सारा काम वाम हो चुका है, और अब है नहाने धोने की बारी। तो मौसम ऐसा हो रहा है ना कि बिल्कुल भी नहाने की इच्छा नहीं हो रही है, मगर नहीं नहाना तो है ही, करीब 12 बजने वाले हैं, 12 बजे सोचा है कि नहा धो के ना आज देखती हूँ कि एक अच्छी सी रेसिपी है, लड्डू की रेसिपी, या फिर ठंड से रिलेटेड, ठंड बहुत पड़ रही है, तो वैसे वैसे टाइप की कुछ रेसिपी बनाऊँगी। बहुत सोचती तो बहुत हूँ, मगर ठंड में कुछ करने का सच में मैं बताऊँ मन नहीं करता है। कुछ तबीयत भी 2 दिन से ख़राब थी, रात को आन्या भी रुक गई थी और सुबह वो जल्दी ही चली गई मम्मी के पास, यानी कि नानी के यहाँ, क्योंकि उसको डॉक्टर के पास जाना था। तो मैं तो लेट ही उठी हूँ थोड़ा, और लेट उठ के सारा काम धाम, लेट 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 में सब कुछ लेट हो जाता है। अब लंच बना चुकी हूँ, क्योंकि लंच का ये हो जाता है ना कि अगर आप रजाई में चले गए तो फिर दोबारा निकलने का मन नहीं करता, और लंच पे हम लोग हमेशा चावल खाते हैं, तो चावल बना चुकी हूँ और नहाते धोते हैं, और मैं तो चावल ही खाऊँगी, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो अब चावल खा लूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, छोटी सी है पर प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही मिलते रहेंगे हम लोग। ठंड है या कुछ भी है, मौसम बहुत बेकार हो रखा है एकदम, देख रहे हैं, ये दिखाती हूँ मैं आप, ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि फॉग फॉग हो रखा है। सूर्य देवता बिल्कुल भी कृपा नहीं कर रहे हैं, मगर हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाते ही रह रहे हैं। हालांकि अगर रजाई में चले जाती हूँ तो कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है, बट मुझे हो रहा है, आज शाम को एक ज़रूर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ भी करूँ, हल्का फुल्का जो भी करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ हर ब्लॉग में, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।